वेदों के अनुसार यमुना को सूर्य की बेटी के साथ साथ यमराज और शनि देव की बहन माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज हम चलेंगे उत्तराखंड के चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम की यात्रा पर, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलेगी घूमने की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको घुमाते हैं जी भर के। तो चलो जी भर घूमो हमारे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। यमुनोत्री की यात्रा करने के लिए आपको जानकी चट्टी तक आना होता है। जानकी चट्टी ही वो जगह है जहाँ तक आप सैटेलाइट बस या टैक्सी से आ सकते हैं। इसके आगे का रास्ता 6 किलोमीटर का है। इस ट्रैकिंग को आगे पैदल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको घोड़े और पालकी दोनों मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी यात्रा कर सकेंगे। यहाँ का करीबी रेलवे स्टेशन करीब 220 किलोमीटर दूर हरिद्वार में है। नई दिल्ली से हरिद्वार तक ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया 200 रुपये, थर्ड एसी का किराया 500 रुपये, सेकेंड एसी का किराया 700 रुपये, तो वहीं फर्स्ट एसी का किराया 1200 रुपये पड़ता है। इसके अलावा नई दिल्ली से देहरादून तक की फ्लाइट 2500 रुपये के आसपास की पड़ जाती है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन दोनों ही जगहों से आपको टैक्सियाँ मिल जाती हैं। टैक्सी आप करीब 5000 में बुक कर सकते हैं, तो वहीं हरिद्वार से जानकी चट्टी तक की बस आपको करीब 500 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपको हरिद्वार से जानकी चट्टी के लिए सीधी बस नहीं मिले तो आप उत्तरकाशी आकर वहाँ से जानकी चट्टी की बस या टैक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकते हैं। यहाँ यात्रा का समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का तय किया गया है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन की जो आपने दोनों डोजे लगवाई हैं उसका सर्टिफिकेट लाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कोविड गाइडलाइंस के कारण कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे, तो नियमों का पालन जरूर करें। चलो आप यहाँ रुकने का जुगाड़ देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यहाँ रुकने के लिए आपको 600 रुपए से लेकर अपने बजट तक के होटल मिल जाते हैं। जब आप हरिद्वार से अपने सफर की शुरुआत करेंगे तो रास्ते में बेहद खूबसूरत जगहें पड़ती हैं। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर बद्रीनाथ गंगोत्री की यात्रा करना चाहते हैं तो हमने इन सभी की अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें जाकर जरूर देखें। चलो आप यहाँ आने का एक बजट देख लेते हैं। दिल्ली से दो लोगों का खर्चा इस तरह होगा। नई दिल्ली से हरिद्वार तक ट्रेन का आने जाने का किराया 200 × 4 800 रुपये, हरिद्वार से जानकी चट्टी तक बस से आने जाने का किराया 500 × 4 2000 रुपये, होटल का खर्चा 600 रुपये मान लेते हैं और खाने पीने का खर्चा करीब 1000 रुपये, तो दो लोगों का खर्चा पड़ेगा करीब 4400 रुपये। तो पर पर्सन आप 2200 रुपये खर्च करके आप यमुनोत्री के दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली के अलावा अगर आप देश के किसी और हिस्से से आ रहे हैं तो आपके ट्रेन के खर्च में बदलाव हो सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा बताया हुआ बजट अनुमानित होता है और सबसे सस्ती यात्रा का होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।